नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार और मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियोलॉजी पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है 100 सामान्य विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यानी कि शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एंट्रेंसियोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोज के साथ अपडेट रह सके। दोस्तों, आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक के थ्रू। हमारा फेसबुक का पेज का जो एड्रेस है वो है facebook.com/entrenciology। आप फ्री स्टडी मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट entrenciology.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं 100 सामान्य विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का हमारा जो कलेक्शन है। क्वेश्चन 1, मैनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर है दाब मापने के लिए। क्वेश्चन 2, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? उत्तर है कूलम्ब। क्वेश्चन 3, चाय में कौन सा अम्ल होता है? उत्तर है टैनिक अम्ल। क्वेश्चन 4, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? उत्तर है मीथेन। क्वेश्चन 5, खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है HCl। क्वेश्चन 6, मधुमेह किसकी कमी से होता है? उत्तर है इंसुलिन की कमी से। क्वेश्चन 7, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है? उत्तर है अनंत। क्वेश्चन 8, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? उत्तर है आइसोप्रीन का। क्वेश्चन 9, क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है? उत्तर है मैग्नीशियम, Mg। क्वेश्चन 10, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? उत्तर है ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन 11, लौंग किससे प्राप्त होती है? उत्तर है पुष्प कली से। क्वेश्चन 12, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? उत्तर है कवक द्वारा। क्वेश्चन 13, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? उत्तर है लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन 14, रेडियन किसकी इकाई है? उत्तर है कोण की। क्वेश्चन 15, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? उत्तर है न्यूटन प्रति मीटर। क्वेश्चन 16, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती हैं? उत्तर है अस्थि को। क्वेश्चन 17, किसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है? उत्तर है आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन 18, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? उत्तर है न्यूट्रॉन। क्वेश्चन 19, शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है? उत्तर है 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन 20, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 21, सोडियम को जल में डालने से कौन सी गैस निकलती है? उत्तर है हाइड्रोजन। क्वेश्चन 22, संघनन क्या है? उत्तर है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। क्वेश्चन 23, सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग कौन सा है? उत्तर है AB। क्वेश्चन 24, एलपीजी किसका मिश्रण है? उत्तर है ब्यूटेन व प्रोपेन का। क्वेश्चन 25, मेलाकाइट किस धातु का खनिज है? उत्तर है तांबा। क्वेश्चन 26, सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था? उत्तर है ल्यूवेन हॉक ने। क्वेश्चन 27, बैटरी की अवस्था किसके द्वारा ज्ञात की जाती है?
उत्तर है वोल्ट मीटर से। क्वेश्चन 28, स्टोरेज बैटरी में किस धातु का उपयोग होता है? उत्तर है जस्ता। क्वेश्चन 29, वायुयान की गति मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? उत्तर है टेकोमीटर। क्वेश्चन 30, दो आवेशों के बीच की दूरी दो गुनी करने पर उनके बीच का बल क्या होगा? उत्तर है उसका चौथाई हो जाता है। क्वेश्चन 31, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? उत्तर है इंसुलिन। क्वेश्चन 32, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? उत्तर है शुक्र। क्वेश्चन 33, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? उत्तर है क्यूरी। क्वेश्चन 34, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर है सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन 35, लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? उत्तर है पीला रंग। क्वेश्चन 36, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? उत्तर है आंत को। क्वेश्चन 37, आग बुझाने वाली गैस का क्या नाम है? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 38, हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं? उत्तर है उच्च कार्बन इस्पात से। क्वेश्चन 39, ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? उत्तर है नरम लोहे का। क्वेश्चन 40, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? उत्तर है हाइड्रोजन। क्वेश्चन 41, अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? उत्तर है एल्बुमिन। क्वेश्चन 42, गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? उत्तर है ब्रेटॉन चक्र पर। क्वेश्चन 43, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? उत्तर है विटामिन ए का। क्वेश्चन 44, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप कौन सा है? उत्तर है कोबाल्ट 60। क्वेश्चन 45, साइड्राइट किसका अयस्क है? उत्तर है लोहे का। क्वेश्चन 46, शहद का मुख्य अवयव क्या है? उत्तर है फ्रक्टोज। क्वेश्चन 47, आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है? उत्तर है प्लीहा को। क्वेश्चन 48, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? उत्तर है चीड़ के पेड़ से। क्वेश्चन 49, मार्स गैस किसे कहते हैं? उत्तर है मीथेन को। क्वेश्चन 50, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? उत्तर है 8.4, 8.4। क्वेश्चन 51, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? उत्तर है आंवला। क्वेश्चन 52, एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है? उत्तर है 22.4 लीटर। क्वेश्चन 53, दालें किसकी अच्छी स्रोत होती हैं? उत्तर है प्रोटीन की। क्वेश्चन 54, गति के नियमों की खोज किसने की थी? उत्तर है न्यूटन ने। क्वेश्चन 55, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित है? उत्तर है जिगर से। क्वेश्चन 56, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है? उत्तर है सतही तनाव के कारण।
क्वेश्चन 57, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण, उत्तर है ताप में वृद्धि होती है। क्वेश्चन 58, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर है जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए। क्वेश्चन 59, श्वेत रक्त कण कहलाता है? उत्तर है ल्यूकोसाइट्स। क्वेश्चन 60, टेबल साल्ट किसे कहा जाता है? उत्तर है सोडियम क्लोराइड को। क्वेश्चन 61, जल का हिमांक बिंदु क्या है? उत्तर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन 62, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन 63, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर है बर्नौली के सिद्धांत पर। क्वेश्चन 64, मशरूम क्या है? उत्तर है फजाई यानी कि कवक। क्वेश्चन 65, दूध के खट्टा होने के कारण क्या है? उत्तर है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है। क्वेश्चन 66, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है? उत्तर है वॉट में। क्वेश्चन 67, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? उत्तर है छोटी आंत। क्वेश्चन 68, किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से, किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है वाष्पीकरण। क्वेश्चन 69, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान, उत्तर है घट जाएगा। क्वेश्चन 70, नींबू का पीएच मान कितना होता है? उत्तर है 2.2। क्वेश्चन 71, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? उत्तर है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। क्वेश्चन 72, सीएनजी से क्या अभिप्राय है? उत्तर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन 73, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर है यकृत। क्वेश्चन 74, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? उत्तर है एसिटिलीन गैस। क्वेश्चन 75, श्रव्य तरंगे क्या हैं? उत्तर है निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे। क्वेश्चन 76, विटामिन सहायता नहीं करता है? उत्तर है पाचन क्रिया में। क्वेश्चन 77, मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण क्या है? उत्तर है सुगंध व स्वाद को बढ़ाना। क्वेश्चन 78, दर्पण बनाने के लिए किसे उपयोग में लाया जाता है? उत्तर है सिल्वर नाइट्रेट को। क्वेश्चन 79, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? उत्तर है इसका पिघला द्रव्यमान। क्वेश्चन 80, यूरिया में नाइट्रोजन होती है? उत्तर है 46%। क्वेश्चन 81, भारत के सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? उत्तर है परम। क्वेश्चन 82, कौन सी मिट्टी ज्यादा जल नहीं सोखती है? उत्तर है क्लेई मिट्टी। क्वेश्चन 83, कैलोरी किसका माप है? उत्तर है ऊष्मा की मात्रा का। क्वेश्चन 84, मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं? उत्तर है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन 85, हीरा क्या है?
उत्तर है शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल। क्वेश्चन 86, डीओएस का विस्तृत रूप क्या है? उत्तर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन 87, दाद किसके कारण होता है? उत्तर है कवक के कारण। क्वेश्चन 88, प्रकाश की तरंगे होती हैं? उत्तर है अनुप्रस्थ। क्वेश्चन 89, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? उत्तर है बुध। क्वेश्चन 90, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? उत्तर है नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन 91, क्षय रोग किस अंग को प्रभावित करता है? उत्तर है फेफड़ों को। क्वेश्चन 92, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है? उत्तर है दूध उद्योग से। क्वेश्चन 93, अति तापन किया जाता है? उत्तर है स्थिर दाब पर। क्वेश्चन 94, शरीर का वजन अधिकतम होता है? उत्तर है ध्रुवों पर। क्वेश्चन 95, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? उत्तर है कैंडेला। क्वेश्चन 96, मलेरिया रोग प्रभावित करता है? उत्तर है प्लीहा को। क्वेश्चन 97, कठोर जल का उपयोग हो सकता है? उत्तर है कागज उद्योग में। क्वेश्चन 98, नोबेल गैस कहलाती है? उत्तर है हीलियम। क्वेश्चन 99, केपलर का नियम संबंधित है? उत्तर है ग्रहों की गति से। क्वेश्चन 100, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है? उत्तर है यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से। तो दोस्तों, ये था हमारा 100 सामान्य विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का कलेक्शन। आशा करता हूं कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्नोत्तर बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने जानने वालों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और जाने से पहले मैं एक बार और बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल एंट्रेंसियोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी जो है प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिल सके। आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है facebook.com/entranceology। और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट entranceology.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे, और स्टडी करते रहिए एंट्रेंसियोलॉजी के साथ। मैं हूं राजेश कुमार, नमस्कार।